हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 7 सीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी के बारे में, रेनो ड्राइवर। फर्स्ट जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ, जो मिलता है आपको एएमटी या 5-स्पिन मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। यहाँ मिलते हैं आपको टोटल 9 वर्जन, शुरू होता है 6,30,000 रुपए से लेके 8,80,000 रुपए तक ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। और जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, ये है RXL AMT वेरिएंट, जो पड़ता है आपको ऑन रोड 7,65,000 रुपए का, मैनुअल के साथ पड़ेगा आपको ये 7,10,000 रुपए का। इस वाले वेरिएंट में आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, अब इसके फीचर्स अपडेटेड हो गए हैं। ये है प्री अपडेट वर्जन। यहाँ पे आपको क्रोम ग्रिल इंसर्ट मिलता है फ्रंट ग्रिल पे, जो आप देखने को नहीं मिलेगा अपडेटेड वर्जन में। कुछ ऐसी मिलती है आपको इसकी ग्रिल, पीछे मिलता है आपको रेनो का लोगो। अपडेटेड मॉडल एंड पुराने मॉडल के प्राइसेस सेम है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं अगर स्टॉक में अवेलेबल है तो। फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। और कुछ ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल, ड्यूअल टोन में मिलता है आपको फ्रंट बम्पर। और यहाँ मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ। हाई बीम मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर्स में। और यहाँ पे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट। एंड इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है मैक्सन स्ट्रट का सस्पेंशन लोअर ट्राइंगल एंड कॉयल स्प्रिंग के साथ। पीछे मिलता है आपको टॉर्शन बीम एक्सेल का सस्पेंशन। एंड इंजन बोनेट के ऊपर मिलता है आपको सिंगल वॉशर का फीचर, उसके पीछे मिलते हैं आपको 2 वाइपर्स। कुछ इतने साइज की मिलती है आपको फ्रंट विंडशील्ड रेनो ड्राइवर में। और यहाँ मिलता है आपको इसका रूफ एंटीना, कुछ इतने साइज का मिलता है आपको, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड अपडेटेड RXL मॉडल में अब आपको रूफ रेल्स का भी फीचर मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था। APLR मिलता है आपको बॉडी कलर्ड ORVM सब आपको नहीं मिलेंगे टर्न इंडिकेटर के साथ अपडेटेड मॉडल में, जो इधर देखने को मिल रहे हैं। अब आपको मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश में अपडेटेड मॉडल में। और यहाँ मिलते हैं आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स व्हील कवर्स के साथ, जो मिलते हैं आपको सिल्वर फिनिश में। कुछ ऐसे लगते हैं इसके व्हील्स। टायर प्रोफाइल की बात करें तो मिलता है आपको 165/80 R14 का रेडियल ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है आपको हर वेरियंट के साथ। व्हील आश क्लैरिंग मिलती है आपको इधर। और यहाँ मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर। एंड अपडेटेड मॉडल में आपको साइड बॉडी क्लैरिंग का फीचर नहीं मिलेगा। बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको प्री अपडेट मॉडल में, अपडेटेड में ब्लैक मिलेंगे। PPLR मिलता है आपको बॉडी कलर्ड, CPLR मिलता है आपको ब्लैकेंड। और कुछ ऐसा दिखता है इसका साइड प्रोफाइल लुक, तो रिसेंटली बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड ORVMs एंड साइड बॉडी क्लैडिंग्स को डिलीट कर दिया गया है RXL वेरिएंट से। और यहाँ पे लेंथ मिल जाती है आपको 3990 mm की, विड्थ है 1739, हाइट है 1643 एंड व्हील बेस है 2636 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 182 mm, टर्निंग रेडियस है 5.4 meters, कर्व वेट है 947 kg का। फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको रेनो ड्राइवर में। सेफ्टी फीचर्स में मिलते हैं आपको ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ड्राइवर सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, हाई स्पीड अलर्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डोर अजार, लो फ्यूल लेवल लाइट रिमाइंडर एंड की लेफ्ट रिमाइंडर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको रेनो ड्राइवर के RXL वेरिएंट में। और कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर प्रोफाइल लुक RXL वेरिएंट का। अब आपको एनर्जी की बैजिंग नहीं मिलेगी राइट हैंड साइड टेलगेट पे, जो पहले देखने को मिलती थी, हर वेरिएंट से उसको हटा दिया गया है एनर्जी बैजिंग को। आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड पे देखने को मिल रही है। 2 ईयर्स या 50,000 kilometers की वारंटी मिलती है आपको रेनो ड्राइवर पे स्टैंडर्ड, आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 4 और 5 ईयर्स। और यह है इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक। ब्लैक कलर का रेयर बम्पर मिलता है आपको, हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है आपको इसकी टेल लाइट्स हर वेरिएंट के साथ। कुछ ऐसी शेप मिलती है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी आपको रेनो की बैजिंग। और यहाँ पे है ड्राइवर की बैजिंग टेलगेट अप्लीक पे, उसके ऊपर मिलता है आपको रेनो का लोगो। एंड राइट हैंड साइड पे मिलती है आपको एनर्जी की बैजिंग, जो प्री अपडेट मॉडल में आप देख रहे हैं, अपडेटेड मॉडल में ये डिलीट कर दिया गया है फीचर जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड रियर बम्पर पे मिलते हैं आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा रिवर्स पार्किंग सेंसर। ब्लैक कलर की मिलती है आपको यहाँ पे स्किड प्लेट, कुछ ऐसा मिलता है आपको डिजाइन रियर बम्पर पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप। एंड इसके स्पेयर टायर की बात करें तो मिलेगा आपको इधर प्लेस्ड स्टील व्हील में मिलता है आपको। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको रेनो ड्राइवर में। रियर में डिफॉगर वाइपर एंड वॉशर का फीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप LED में। आइए इसके टेलगेट को खोल के देखते हैं, यहाँ पे मिलता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। और यहाँ मिलती है आपको 2 लाइट्स लाइसेंस प्लेट के लिए और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। और यहाँ मिलता है आपको 84 लीटर्स का बूट स्पेस रेनो ड्राइवर में। कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकेंड एंड थर्ड रो में, फर्स्ट रो में मिलते हैं आपको फिक्स्ड। एंड इसको आप फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं 50-50 कुछ इस तरीके से।
इससे मिल जाता है आपको 625 लीटर्स का बूट स्पेस। रेनो इसको बोलती है लाइफ मोड। एंड लोडिंग लिप की बात करें तो कुछ इतनी आपको लोडिंग लिप मिलती है इधर। लगेज स्लैम्प या लगेज हुक का फीचर देखने को नहीं मिलता आपको इधर। यहाँ पे मिलती है आपको इसकी टूल किट। एंड सेकेंड रो की लेफ्ट हैंड सीट को आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे एंड राइट हैंड सीट को रिक्लाइन एंड स्लाइड कर पाएंगे, उससे मिल जाता है आपको और ज़्यादा बूट स्पेस। ये है इसका कैंपिंग मोड। और यहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट बटन देखने को नहीं मिल रहा, इधर कोई आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता बूट को बंद करने के लिए, इससे आपको दिक्कत हो भी सकती है। आइए इसको बंद कर देते हैं। अगर आप अपडेटेड RX मॉडल लेते हैं तो आपको मिलता है रियर पावर विंडोज़ का फीचर, जो प्री अपडेट मॉडल में देखने को नहीं मिल रहा। दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। प्राइस मिलेगा आपको सेम, ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल, लॉक एंड लॉक बटन। यहाँ मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट ब्लैक फिनिश में, स्टोरेज स्पेस, मैनुअल विंडो। और यहाँ मिलता है आपको स्पीकर के लिए प्रोविजन, डोर पॉकेट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। RXL वेरिएंट में आपको फ्रंट टू डोर स्पेस स्पीकर्स का फीचर मिलता है, रियर डोर पे आप बाहर से लगवा सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका सेकंड रो। व्हील बेस मिलता है आपको इधर 2636 mm का। ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है एंड पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे। ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस और ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस। एंड हम की बात करें तो कुछ इतना मिलता है आपको। ड्यूअल टोन में मिलती है आपको इधर फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री एंड आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो कुछ इतना आप रिक्लाइन कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकेंड एंड थर्ड रो में और इस लीवर के थ्रू आप इसको आगे कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड आप स्लाइड भी कर सकते हैं आगे। स्लाइड करने के बाद कुछ इतनी स्पेस मिल जाती है आपको। एंड लेफ्ट हैंड सीट को आप टम्बल फोल्ड भी कर पाएंगे कुछ इस तरीके से थर्ड रो में जाने के लिए। और कुछ ऐसे दिखती हैं थर्ड रो की सीट्स। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये है इसका मिनिमम लेग स्पेस और ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस थर्ड रो की सीट्स पे। सीट को आगे पूरा स्लाइड करने के बाद कुछ इतना आपको लेग स्पेस मिलता है। हार्ड प्लास्टिक, स्टोरेज स्पेस, फिक्स विंडो मिलती है आपको थर्ड रो में, फिक्स ग्रैब हैंडल। और यहाँ मिलते हैं आपको रूफ एसी वेंट्स, जो आप डिलीट कर दिए गए हैं अपडेटेड मॉडल में, जो बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात है। फिक्स ग्रैब हैंडल, फिक्स विंडो और ऐसे ही यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। ये इसकी सीट बेल्ट और ये है इसका 84 लीटर्स का बूट स्पेस। इसको रेनो बोलती है ड्राइव मोड। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको सेकेंड एंड थर्ड रो की सीट्स पे। यहाँ पे मिलती है आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। कुछ ऐसा मिलता है आपको डैशबोर्ड लुक थर्ड रो से। ड्यूअल टोन में मिलता है आपको इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज कलर। रियर एसी वेंट्स का फीचर अब आपको नहीं मिलेगा अपडेटेड मॉडल में, जो प्री अपडेट मॉडल में देखने को मिल रहा है। फिक्स सीट बेल्ट, फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फर्स्ट रो सीट्स के लिए। सेकेंड एंड थर्ड रो में मिलते हैं आपको एडजस्टेबल। फिक्स ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको फ्रंट पैसेंजर साइड पे एंड रियर सेक्शन में। कोट हुक का फीचर देखने को नहीं मिल रहा किसी भी ग्रैब हैंडल पे। और यहाँ पे आइसोफिक्स साइड सीट माउंट्स का फीचर देखने को नहीं मिलता रेनो ड्राइवर के किसी भी वेरिएंट में। ये सीट बेल्ट, रियर आर्मरेस्ट का भी फीचर नहीं मिलेगा आपको इधर। ये है थर्ड रो का लुक सेकेंड रो से और ये फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकेंड रो से। ड्यूअल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम। पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको इधर। और यहाँ पे कोई रीडिंग लाइट का फीचर देखने को नहीं मिल रहा सेकेंड रो में। और यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे रूफ वेंट्स को, जो अब फीचर डिलीट कर दिया गया है RXL वेरिएंट से। आपके सबसे पहले वैल्यू फॉर द मनी मॉडल था या अपडेटेड मॉडल, हमें कमेंट्स में बताइए। अभी भी स्टॉक्स में कुछ यूनिट्स बाकी हैं, आप ले सकते हैं। और कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी टेल लाइट्स ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। ये मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ। कुछ ऐसा मिलता है आपको रियर प्रोफाइल लुक। लाइसेंस प्लेट्स की लाइट्स भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी और ये पार्किंग लाइट। एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन करने के बाद कुछ ऐसी मिलती है आपको प्रोफाइल। एंड हाई बीम हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ। ऑन होने के बाद कुछ ऐसी लगती है प्रोफाइल। ये है कंप्लीट हेडलैम्प यूनिट को ऑन करने के बाद की लुक। फॉग लैम्प आप एसेसरी में लगवा सकते हैं RXL वेरिएंट में। 19 जून 2019 को सबसे पहले लॉन्च हुई थी रेनो ड्राइवर इंडिया में और इसकी असेंबली होती है चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में। और इंडिया से कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होती है रेनो ड्राइवर। रेनो निसान के CMF A+ प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है रेनो ड्राइवर। CMF स्टैंड्स फॉर कॉमन मॉड्यूल फैमिली और इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है निसान मैग्नाइट, रेनो क्विड एंड रेनो काइगर जैसी गाड़ियाँ। रिव्यू आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन से। और इसको मिली है 4 स्टार्स की रेटिंग ग्लोबल एनकैप में फॉर द अडल्ट ऑक्यूपेंट। पॉइंट्स मिले हैं इसको 11.62 के आउट ऑफ 17 एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट में मिले इसको 3 स्टार्स की रेटिंग। पॉइंट्स मिले हैं 27 के आउट ऑफ 49। कैबिन इंटेग्रिटी या बॉडी शेल का रिजल्ट आया अनस्टेबल। यहाँ मिलते हैं आपको 5 कलर ऑप्शंस, आई स्कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, इलेक्ट्रिक ब्लू, सेडर ब्राउन एंड मेटल मस्टर्ड जैसे कलर ऑप्शंस। और इधर मिलती है आपको 2 कीज लॉक अनलॉक बटन के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम। पीछे मिलता है आपको रेनो का लोगो। डुअल टोन में मिलता है आपको डोर पैडिंग का फीचर चारों डोर्स पे। और कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल।
लॉक एंड लॉक बटन, स्टोरेज स्पेस, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ, और यहाँ मिलता है आपको पावर विंडो के स्विचेस, अब रियर पावर विंडोज का भी फीचर मिलता है आपको RXL के अपडेटेड मॉडल में, जॉयस्टिक ORVM को एडजस्ट करने के लिए, स्पीकर, डोर पॉकेट, फ्रंट टू स्पीकर्स का फीचर मिलता है आपको RXL वेरिएंट में, बिग साइज की डोर पॉकेट मिलती है आपको चारों डोर्स पे, और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर ड्राइवर साइड से, ड्यूअल टोन में मिलता है आपको इसका इंटीरियर थीम ब्लैक एंड बेज कलर, 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको रेनो ड्राइवर गाड़ी में, ये है कॉम्पैक्ट MPV गाड़ी, फैब्रिक सीट अपहोस्ट्री मिलती है आपको इधर ड्यूअल टोन में, और यहाँ मिलता है आपको सैटिन क्रोम फिनिश, अब आपको यहाँ पे मिलेगा क्रोम फिनिश अपडेटेड मॉडल में, ये एसी वेंट, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं हाई बीम को, और ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, और इस लीवर के थ्रू आप खोल पाएंगे इंजन बोनेट को, और यहाँ से खोल पाएंगे आप फ्यूल लिड को, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, ये है रिक्लाइन के लिए, कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको इन फैब्रिक सीट्स पे, बोलस्ट्रिंग आप देख सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी मिलेगी आपको इधर, और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड, लेदर सीट कवर्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं, कई सारे पैकेजेस मिल जाते हैं आपको डीलर के थ्रू, हाई गाड़ी के अंदर चलते हैं, और कुछ ऐसा व्यू मिलता है आपको ड्राइवर सीट से, जो आप डैशबोर्ड पे पियानो ब्लैक फिनिश देख रहे हैं अब आपको मिलेगा मैट ब्लैक फिनिश में अपडेटेड मॉडल्स के साथ, ये है प्री अपडेट मॉडल, ये है रेनो का लोगो, पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको इधर थंब कंट्रोल के साथ, ये इसका हॉर्न, एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो मिलेगा आपको टिल्ट वे में ही, कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, और यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट एंड इंडिकेटर के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड लीवर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स, यहाँ मिलता है आपको टू डे ऑडियो सिस्टम, यहाँ मिलता है आपको हाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश डैशबोर्ड पे, अब मिलेगा आपको अपडेटेड मॉडल के साथ मैट ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे सैटिन की जगह अब आपको मिलेगा क्रोम फिनिश एसी वेंट्स के सराउंडिंग में, ये इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी बढ़िया ग्लव बॉक्स मिलता है आपको, काफ़ी ज़्यादा कभी होल्स मिलते हैं आपको, पेन होल्डर का भी फीचर मिलेगा आपको इधर अलॉन्ग विद मोबाइल होल्डर, और सनग्लास होल्डर का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर, इधर मिलता है आपको 1000 लाइट का बटन, ये है डोर को लॉक करने के लिए, मैनुअल एसी मिलता है आपको, यहाँ पे है स्टोरेज स्पेस, और यहाँ मिलता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, आप देख सकते हैं उसके नीचे मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस, एक ही सॉकेट मिलता है आपको पूरी गाड़ी में, ये है इसका 5 स्पिन मैनुअल गियर बॉक्स, ये मिलता है आपको ब्लैक फिनिश में, AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वेरिएंट के साथ, यहाँ मिलते हैं आपको 2 कप होल्डर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट का फीचर आप लगवा सकते हैं एसेसरी में, हैंड ब्रेक मिलती है आपको ब्लैक टेप के साथ, और रियर एसी वेंट्स को कंट्रोल करने के लिए नॉब, इधर से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, पैसेंजर साइड सन वाइजर कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा आपको इधर, यहाँ मिलती है आपको एक रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब में, ये ब्लूटूथ माइक, IRVM आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे टिकट होल्डर का फीचर नहीं देखने को मिल रहा, ये इसका डैशबोर्ड लुक, बोनेट व्यू आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट से, कुछ ऐसा मिलता है आपको, आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको व्हाइट कलर में, जो लगता है काफ़ी ज़्यादा शानदार, यहाँ मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल RPM मीटर, डिजिटल स्पीड, डिजिटल टेम्परेचर मीटर एंड डिजिटल फ्यूल मीटर, और उसके साथ में है नोटिफिकेशन लाइट्स, और यहाँ मिलता है आपको एक नॉब, इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे वेरियस इन्फॉर्मेशन को जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है SMID से, और ये है इसका 2DN का RNGO ऑडियो सिस्टम जो सपोर्ट करता है रेडियो USB ब्लूटूथ एंड ऑक्स को, और कुछ इस तरीके से आप इसको खोल पाएंगे, यहाँ मिलता है आपको USB पोर्ट, टोटल 2 स्पीकर्स मिलते हैं आपको इस सिस्टम के साथ फ्रंट टू डोर्स पे, ये सैटिन फिनिश में मिलते हैं आपको नॉब्स, और यहाँ पे भी USB पोर्ट है एंड ऑक्स पोर्ट मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, टचस्क्रीन ऑडियो सिस्टम मिलता है आपको RXT वेरिएंट से, यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, और यहाँ मिलता है आपको मैनुअल AC प्लस हीटर का फीचर, ये है इसकी ब्लोअर स्पीड, 4 स्पीड्स मिलती हैं आपको इधर, रियर AC वेंट्स का फीचर अब आपको नहीं मिलेगा अपडेटेड मॉडल्स के साथ, वाइट कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको इधर, और ये इसके मोड्स, इल्यूमिनेशन लाइट की बात करें तो पावर विंडो के स्विचेस पे भी देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर देखने को नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड विंडो पे, ORVMs को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं जॉयस्टिक के थ्रू, एंड इसके डोर अजार वार्निंग की बात करें तो आपको कुछ ऐसा साइन देखने को मिलेगा MID पे, जब आप ड्राइवर साइड डोर खोलेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और इस MID पे आपको कोई रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता,
जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आइए इसको बंद कर देते हैं और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर पैसेंजर साइड से रेनो ट्राइबर के RXL वेरिएंट का। आइए इसका फ्यूल लिड खोल के देखते हैं। यहाँ मिल जाती है आपको 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। आइए इसका इंजन बोनेट खोल के देखते हैं। यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को। यहाँ मिलती है आपको डैम्पिंग फॉर बेटर इंसुलेशन और इधर देखने को मिल रहा है 1 लीटर एनर्जी MPFI पेट्रोल इंजन। ये है 3 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 71 bhp की पावर 96 Nm टॉर्क के साथ। 19 की कंपनी माइलेज क्लेम करती है फॉर द मैनुअल एंड 18.29 फॉर द AMT। आता है 5 स्पीड मैनुअल या AMT गियर बॉक्स के साथ। RXC बेस मॉडल को छोड़ के आपको हर वेरिएंट के साथ AMT का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से डाल सकते हैं आप पानी को फॉर द वाइपर्स। तो कैसा लगा आपको रेनो ट्राइबर का RXL वेरिएंट, कमेंट्स में बताइए आप कौन सा मॉडल लेना पसंद करेंगे, प्री अपडेट या अपडेटेड मॉडल। आपके सबसे कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।